हाय एवरीवन। सो टुडेज टॉपिक इज मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। सो ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स टू स्टेजेस। इसमें टू स्टेजेस प्रेजेंट होती है जनरली। सो जो फर्स्ट स्टेज है डैट इज इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन मतलब जो एटमोस्फेरिक एयर है वो इन एंटर करती है, मतलब बॉडी के अंदर एंटर करती है। सो एटमोस्फेरिक एयर इज ड्रोन इन, अंदर एंटर करती है। उसके बाद सेकेंड स्टेज आती है एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन का मतलब कि जो एयर है वो एल्वियोली से आउट, रिलीज आउट हो जाती है। सो ये थी टू स्टेजेस, इंस्पिरेशन एक्सपायरेशन। सो नेक्स्ट है जो मूवमेंट है एयर की, मूवमेंट ऑफ एयर इन एंड आउट ऑफ लंग्स इज कैरिड आउट बाय क्रिएटिंग प्रेशर ग्रेडियंट। सो एक प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट किया जाता है जिससे जो एयर है वो बॉडी के अंदर और बाहर एंटर करती है, स्पेसिफिकली लंग्स में। सो जो प्रेशर ग्रेडियंट में डेवलप होता है वो डेवलप होता है लंग्स एंड एटमोस्फेयर के बीच में। सो जो प्रेशर है विद इन लंग्स, इंस्पिरेशन की जो प्रोसेस है वो होती है जब प्रेशर विद इन लंग्स लेस होता है। सो लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है उसके लिए जो टर्म यूज करते हैं डेट इज इंट्रा। इंट्रा मतलब इन बिटवीन। सो इंट्रा पल्मनरी प्रेशर। सो दिस टर्म इज यूज्ड फॉर लंग प्रेशर। उसके बाद आता है अगर इंट्रा पल्मनरी प्रेशर लेस है, लेस इज कंपेयर टू एटमोस्फेरिक प्रेशर। सो नेगेटिव प्रेशर प्रेजेंट होगा फिर लंग्स में क्योंकि ये लेस है एज कंपेयर टू एटमोस्फेरिक प्रेशर। सो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद नेगेटिव ग्रेडियंट डेवलप होने के बाद लंग्स के अंदर एयर मूव करेगी। सो एयर मूव करती है फ्रॉम हाई प्रेशर ग्रेडियंट टू लो प्रेशर ग्रेडियंट डेट इज इन लंग्स। सो एटमोसफेयर से एयर एंटर करती है लंग्स के अंदर। सिमिलरली जो एक्सपायरेशन की प्रोसेस है वो कैरी आउट होती है जब इंट्रा पल्मनरी प्रेशर क्या होगा, हाई होगा एज कंपेयर टू, ये इंक्रीज होता जाएगा एज कंपेयर टू एटमोसफेयरिक प्रेशर। सो अगर ये लो है ये हाई है, सो हाई टू लो कंसेंट्रेशन मूव करता है। सो इंट्रा पल्मनरी प्रेशर जब हाई होता है, एटमोस्फेरिक प्रेशर लो होता है, सो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपायरेशन के टाइम पे बॉडी से बाहर मूव करती है। सो जो रिस्पॉन्सिबल हैं फैक्टर्स प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप करने के लिए, उनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है डेट इज फर्स्ट वन इज डायफ्रेगम एंड सेकेंड वन इज स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स। सो स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स ये दो टाइप की होंगी, फर्स्ट इज एक्सटर्नल एंड द सेकेंड वन इज इंटरनल। सो उसके बाद एक्सटर्नल इंटरनल कौन सी मसल्स ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगी, ये मसल्स प्रेजेंट होती हैं बिटवीन द रिब्स। सो दीज आर नोन एज एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकोस्टल्स। ये प्रेजेंट होंगी बिटवीन द रिब्स जो हेल्प करेंगी फॉर द जनरेशन ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट। उसके बाद क्या होता है कि इंस्पिरेशन है, इंस्पिरेशन इनिशिएट होती है जब डायफ्रेगम कॉन्ट्रैक्ट करता है। डायफ्रेगम जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्शन के बाद उसके बाद क्या होगा, जिसकी वजह से इंक्रीज होगा वॉल्यूम ऑफ थोरेकिक चैम्बर
डायफ्रेगम के कॉन्ट्रैक्ट करने से, सिकुड़ने से थोरैकिक चैम्बर का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा। उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन होगी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की। एक्सटर्नल इंटरनल में से कौन सी मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है? वो है एक्सटर्नल की कॉन्ट्रैक्शन होगी। सो दिस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल लिफ्ट्स अप द रिब्स। सो जो रिब्स हैं वो लिफ्ट अप हो जाएंगी, जिसकी वजह से जो स्टर्नम है वो भी लिफ्ट अप हो जाता है। सो स्टर्नम लिफ्ट अप होने की वजह से इंक्रीज हो जाता है वॉल्यूम जो है थोरैकिक चैम्बर का। सो इसके लिए जो डायग्राम है वो देखते हैं। सो डायग्राम के अंदर ये प्रोसेस है जब एयर एंटर करती है। सो दिस इज लंग। डोर्सली यहाँ पे क्या होगा? वर्टिब्रल चैम्बर प्रेजेंट होगा। सो दिस इज प्लूरल, प्लूरा मेम्ब्रेन। उसके अलावा यहाँ पे कैविटी प्रेजेंट होगी। और यहाँ पे फिर क्या होगी? इंटरकोस्टल मसल्स के साथ साथ रिब्स प्रेजेंट होंगी, रिब्स एंड स्टर्नम। सो यहाँ पे फिर डायफ्रेगम प्रेजेंट है, दिस इज डायफ्रेगम। सो डायफ्रेगम कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये क्या करेगा? डाउन साइड मूव करेगा। ऐसे ही जब इंटरकोस्टल एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो जो रिप्स है और स्टर्नम है ये भी रेज हो जाएंगी, ये बाहर की साइड मूव करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ का जो स्पेस है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब स्पेस इंक्रीज होने की वजह से लंग के अंदर पल्मनरी वॉल्यूम क्या होगी? वो डिक्रीज हो जाएगी। प्रेशर क्या है? कम हो जाएगा, क्योंकि स्पेस इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पे अब प्रेशर लो हो जाता है। सो अब यहाँ पे लो प्रेशर प्रेजेंट है एज कंपेयर टू एटमोस्फेरिक प्रेशर, जिसकी वजह से क्या होगा? एयर अंदर की साइड मूव करेगी। सो ये था एट द टाइम ऑफ इंस्पिरेशन। अब उसके बाद सेकेंड डायग्राम आता है, दिस वन इज ए, सेकेंड डायग्राम इज बी। सो अब क्या होगा? डायफ्रेगम की और जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स थी वो क्या करेंगी? रिलैक्स हो जाएंगी। सो उनके रिलैक्स होने के बाद जो डायफ्रेगम है वो सिकुड़ जाता है, वो ऊपर की साइड मूव करता है। जब डायफ्रेगम और इंटरकोस्टल मसल ऐसे ही ये भी रिलैक्स हो जाएंगी, रिलैक्सेशन की वजह से अब रिब्स और जो स्टर्नम पहले राइज कर रहे थे अब ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चले जाते हैं। ऐसे ही जो डायफ्रेगम है वो अपर साइड मूव करता है, रिलैक्स हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा? यहाँ पे अब प्रेशर क्या होगा? हाई हो जाएगा, स्पेस कम प्रेजेंट होगा। सो एयर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट करेंगे वॉल के ऊपर, जिसकी वजह से हाई प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा। सो अब ये एटमोस्फेरिक प्रेशर जो कांस्टेंट रहता है, बट जो लंग के अंदर का प्रेशर है वो हाई टू लो हो जाता है। सो एटमोस्फेरिक प्रेशर अब भी कांस्टेंट है, पर यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, जिसकी वजह से CO2 आउटसाइड मूव करती है। सो ऑन एन एवरेज एक हेल्दी पर्सन ब्रीथ करता है 12 to 16 टाइम्स इन अ मिनट। सो जो वॉल्यूम है एयर ब्रीथिंग, वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व्ड इन ब्रीथिंग
ब्रीथिंग, स्पेसिफिकली ब्रीथिंग मूवमेंट्स। इन्हें एस्टिमेट किया जाता है, एक तरह से मेजर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्पायरोमीटर, जो क्लिनिकली डॉक्टर्स यूज करते हैं पल्मोनरी फंक्शंस को चेक करने के लिए, लंग के फंक्शंस को चेक करने के लिए। सो डेट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।